समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धर्मपाल पटेल समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर अपना दल एस पार्टी में हुए शामिल। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टी कार्यकर्ता व नेता पार्टी बदलने का काम कर रहे हैं, तो वहीं जनपद फतेहपुर की संवेदनशील सीट कही जाने वाली 239 विधानसभा बिंदगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धर्मपाल पटेल लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बिंदगी विधानसभा में काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी खासी पहचान भी बनाई है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नज़र, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। आयोजक संयोजक कर्ता धर्ता आदरणीय धर्मपाल पटेल जी और धर्मपाल पटेल जी के साथ लगातार दो वर्षों से इस विधानसभा में जो कार्यकर्ता बंधु गांव समझ लीजिए, जैकी भैया चुनाव नहीं लड़ रहे, इस क्षेत्र का आपका बेटा धर्मपाल चुनाव में है, अपना दल का प्लेट और जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, जैकी भैया के लिए हम सब लोग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, मैंने अपना दल अनुप्रिया पटेल जी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं फौजी हूं, फौजी एक समाज सेवा के लिए आया था। समाजवादी पार्टी ने फौजी के मान सम्मान और उसकी मेहनत, उसके कार्यकर्ताओं का सम्मान, उसके समाज का सम्मान ये अनदेखी किया, जिस वजह से मैंने अपना दल के प्रत्याशी जय कुमार जैकी जी को अपना समर्थन दिया है और इस विश्वास के साथ समर्थन दिया है। और उन्होंने कहा भी है कि धर्मपाल पटेल जी की दो साल की मेहनत और उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनका सम्मान बराबर करूंगा, इस वजह से मैंने समर्थन दिया है जैकी जी के। अब जब मैं जैकी जी के साथ जुड़ गया हूं तो किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, उनके सामने कोई नहीं है। फौजी जब आता है तो फौजी कुछ करके जाता है, जब देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा होता है तो देश की रक्षा करता है। आज समाज की रक्षा के लिए जैकी जी के साथ में खड़ा है और पूरी लगन के साथ में हम मेहनत करेंगे और जैकी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना के बिंदगी विधानसभा से हम लोग जीतेंगे और इस उम्मीद के साथ जीतेंगे कि वो बिंदगी विधानसभा के लोगों का काम करेंगे, बिंदगी विधानसभा का उत्थान करेंगे।